देश के दूरस्थ क्षेत्र में वो मंदिर है, दूरी पे स्थित थोड़ा कुमकोट। यहाँ पे जो मंदिर है काफी सुंदर है और भव्य है, आप देख सकते होंगे। और यहाँ से जो दिखने वाले क्षेत्र है वो काफी सुंदर है, और कुमदेश क्षेत्र का जितना इलाका है इधर से पूरा इलाका दिखता है, और काली नदी, नेपाल और पिथौरागढ़ का जो संपर्क क्षेत्र है यहाँ से काफ़ी पास में है। आप यहाँ से देख सकते होंगे ये नीचे तरफ जो है बच्चेसर की घाटी है, और उसके जो है सामने है ये पहाड़ जो है पिथौरागढ़ साइड का है। ये पिथौरागढ़ जिला यहाँ से सट के है, और आप देख सकते होंगे इस तरफ जो है मंदिर के पीछे तरफ वो है नेपाल क्षेत्र। तो अभी आपको दिखाऊंगा नेपाल क्षेत्र का जो यहाँ से दिखता है, काफ़ी सुंदर दृश्य है, और नाइट व्यू पे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा, जब यहाँ से लाइट जलती है तो काफ़ी सुंदर दिखता है। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये पूरा नेपाल क्षेत्र है, और ये जो है यहाँ पे ये है काली नदी, और यहाँ से नीचे तक जो है इंडिया की बॉर्डर है ये पूरी। तो काफ़ी सुंदर क्षेत्र है यहाँ, और दुर्गम पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं यहाँ पे काफ़ी दूर तक। ये काली नदी ही है जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट और नेपाल को अलग करती है, और आप देख रहे होंगे ये जो पहाड़ है इनके पीछे इस तरफ चंपावत, तो उस तरफ नेपाल है। और इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं ये है गोमती मंदिर, और यहाँ पे गोमती माता का है ये डोला है जो जाग से भूमियाद मंदिर जो सामने आप लाइट दिख रहे हैं वहाँ से जो है यहाँ तक आता है जाग से भूमियादेव मंदिर से। और ये जो दूरी है ये लगभग 500 मीटर है, ये 500 मीटर की चढ़ाई है जो नीचे से चाक क्षेत्र से गुमदी मंदिर तक आता है। सामने ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये सिलगा, न्याल टुकड़ा, बसकुनी, चोपता,
उसका ही टॉप जाके मैं नारंगी मियां। आप कहीं भी देखेंगे तो मंदिर के जो ध्वज पताकाएं होती हैं, जिनको निशान बोलते हैं, वह काफ़ी स्वतंत्र होती हैं और हवा जो है उनको छूके जब निकलती है तो उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। और यही है, यही देवी देवताओं के लिए भक्तों का, भक्ति का प्रमाण है।